दोस्तों, जब भी कोई एक गेंदबाज विकेट लेता है तो वह उस गेंदबाज के लिए काफ़ी खास होता है, और अगर वह विकेट उस गेंदबाज के करियर की लास्ट बॉल पर ही आ जाए तो वह उस गेंदबाज के लिए और भी खास हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने अपने करियर की लास्ट बॉल पर विकेट लिया था। नंबर 4, लसित मलिंगा। दोस्तों, यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज लसित मलिंगा ने अपने करियर का लास्ट वनडे में साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने लास्ट बॉल पर मुस्तफिजुर रहमान का विकेट लिया था। नंबर 3, सर रिचर्ड हेडली। दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली ने साल 1990 में अपने करियर के लास्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी लास्ट बॉल पर विकेट चटकाया था। नंबर 2, मुथैया मुरलीधरन। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 800 विकेट लेने वाले गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने अपने आखिरी टेस्ट मैच की लास्ट बॉल पर भारत के प्रज्ञान ओझा को आउट किया था। नंबर 1, ग्लेन मैग्रा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने अपने करियर की लास्ट बॉल पर तीनों फॉर्मेट्स में विकेट लेने का कारनामा किया है।